कस्बा राया में ईमानदारी और लालच का एक मामला देखने को मिला जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार कस्बा राया में बाइक पर जा रहे एक अनजान व्यक्ति की जेब से नोटों की गड्डी सड़क पर गिर गई, जिस गड्डी को गिरते हुए दो लोगों ने देख लिया, जिनमें से एक व्यक्ति ने उस नोटों की गड्डी को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसी वक्त पीछे खड़े साधु ने उसमें दखल दी और नोटों की गड्डी को थाने में जमा करने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति उस नोटों की गड्डी को वापस करने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच होती बहस को देखकर वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिस व्यक्ति ने सड़क पर पड़े नोटों की गड्डी को उठाया था, उससे वो पैसे वापस ले लिए गए। बताया गया कि ये गड्डी 200 के नोटों की थी, जिसमें करीब 13,000 रुपए थे। साधु द्वारा ये पैसे थाने में जमा करा दिए गए, जिससे कि जिसके पैसे गिरे हैं उसे ये पैसे मिल जाएं। इस वाकये को लेकर काफी समय तक इसी की चर्चा चलती रही। महाराज जी बताएं, रुपए मिलने का क्या मामला है? रोड पे किसी के गिरे थे दो देते की गड्डी, और वो गिर गई, मोटरसाइकिल चला गया, दूसरे ने एक ने उठा लिए और वो सबको कई को दिख रहे। हम अरे रुपए धरना तो लेके धरा गया, बोला गया मेरे तेरे तो पता कितने है। कौन सी जगह मिले थे? मिले थे बिल्कुल दाऊजी पे ही, दाऊजी मोड़ पे ही, वहीं चौराहे पे, आदर्श भाई रोड से उठे दाऊजी रोड पे गिरते हुए, चाय की दुकान है उससे बैंक आ गई। फिर क्या हुआ? फिर वो रुपये उससे ले लिए वहाँ से, फिर अब कई लोग इकट्ठे हो गए, फिर एक पुलिस वाला तुमने क्यों ले लिए इससे? मैंने जमा कराने के लिए ले लिया, अभी पत्रकारों को बुलाते हैं उनको निकलवाते हैं, मिले तो ऐसे हैं, तो उसे तो होम गार्ड चले गए और फिर एक और सफाई बुला लिया उसने, वो भी कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने थाने ले जा रहे हैं जमा करने के लिए। चलो तुमने क्यों लिए इससे? तो लोग कहते रहे और कुछ लोग तो पटवारे के चक्कर में ही ढूंढ लेंगे, सब बांटने बांटने मेरी बातें किसी नहीं जमा करे जाएंगे रुपए। मैंने गरीब आदमी के किसी को मिल जाए तो ठीक रहेगा, गरीब के हों या अच्छे के हों। फिर किसको दे दिया आपने? फिर मैंने थाने में जमा कराया है। किसको दिया थाने में? थाने में इंस्पेक्टर को दे दिया, अंदर जाके खोले। कितने बजे की बात है? दरोगा ही थाने से बाहर पहले कोई बात होगी, ये 3:30-4 बजे। लिखित में कुछ दिया आपको? नहीं। क्या कहा? हम लोग जाइए आप और कोई होगा हम करवा देंगे पेपर में। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।